बच्चे पहले से 10th के बाद 11th और 12th में थे, अभी 12th में हैं दो बच्चे, और एक बच्ची हमारी है जो 9th में है, इस साल भी एडमिशन उसका हुआ है, तो 9th इस बार एग्जाम होगा। गुरुकुल का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मुझे लगा वो ये कि यहाँ के टीचर्स ने काफ़ी बच्चों को समझते हैं कि क्या वीकनेस है इसका। मेरी एक बच्ची थी वो स्टेज फेयरिंग से, जैसे स्टेज फेयर था उसको, और अभी एक एक्सपीरियंस मैंने देखा कि जब एक एनुअल फंक्शन हुआ तो स्टेज फेयर में उसने इतना बढ़िया परफॉर्म किया और जा करके उसने रिप्रेजेंट किया पूरी टीम को। तो ये इन सब चीज़ों को एक जो साइकोलॉजिकली मजबूत टीचर होते हैं जो समझते हैं कि बच्चे का क्या वीकनेस है वही कर सकते हैं, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा मुझे। दूसरी बात, कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें बाकी स्कूल्स में, जैसे मेरे बच्चे दूसरी जगह पढ़ते थे तो जो वीक बच्चा है उसको पीछे की तरफ रखते थे स्टेज में कोई कार्यक्रम किया तो, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि वीक बच्चे को आगे ला करके उन्होंने मौका दिया है, और काउंसलिंग अच्छी है यहाँ पे जो हमने देखा। प्रिंसिपल मैम, तो मुझे आश्चर्य होगा कि किसी भी स्कूल का कोई प्रिंसिपल हर बच्चे को नहीं जानता होगा, ये मेरे बच्चे को स्पेशली अलग से मैंने कई बार देखा है कि मिलते हुए, तो ये कुछ है, मेरी बेटियां ही हैं तो सिक्योरिटी और सेफ्टी मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर, तो ये सब हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, और 12th में बच्चे हैं और होप कि बेहतर ही होगा।